तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत ही प्यारी बात बोली गई है, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा दोस्तों जब कामयाबी शोर मचाएगी। अगर आप लोगों ने कुछ बनने का सपना देखा है तो दुनिया भर की मुश्किलें आएंगी। पहली मुश्किल तो यही होगी कि आप लोग रोज टाइम टेबल बनाओगे, उसको फॉलो करने की कोशिश करोगे, पर लेकिन वो कंप्लीट आप लोग कभी कभी कर पाओगे। जिस दिन वो कंप्लीट नहीं होगा, आप लोगों के माइंड में टेंशन आएगी, कभी घर में कोई मेहमान आ गया, पता चला किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, दुनिया भर की चीजें साथ में चलती रहती हैं। तो इसलिए जो जो प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है, चाहे कितनी भी बड़ी वो प्रॉब्लम क्यों ना हो, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन सारी प्रॉब्लम साइड में रह जाएंगी, उस दिन सारी चीजें भूल जाओगे यार क्या क्या दिक्कतें आई थी। तो इसलिए हमेशा फोकस करो फाइनल डेस्टिनेशन पर, फाइनल प्रोडक्ट पर या फाइनल गोल पर। जब उस पर फोकस कर आगे बढ़ोगे ना, तो कभी भी आप लोगों को जो रास्ते हैं ना, उनमें जो दिक्कतें हैं, वो आप लोगों को कभी भी सताएंगी नहीं, आप लोगों को अच्छी लगने लगेगी। और जिस राही ने मंजिलों से प्यार, जिस राही ने रास्ते से प्यार कर लिया है, मंजिलें उसके कदमों में आ जाती हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि जो जर्नी है उसको एंजॉय करो, उसमें फ्रस्ट्रेट मत हो, उसको एंजॉय करते करते चलो यार, हंसते गाते नाचते खेलते कूदते जाओ और देखो मंजिल कितनी जल्दी आप लोगों के पास में आएगी। अगर फ्रस्ट्रेट रहोगे तो अपने ही आपको बर्डन में डालोगे। तो ये शानदार सा तरीका है, चीजों को एंजॉय करना स्टार्ट कर दो तो फिर जिंदगी आप लोगों को आसान लगने लगेगी और जो मंजिल है वो भी आप लोगों के करीब आने लगेगी। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए जिनका अभी फिलहाल जो सिविल सर्विसेज का मेंस आने वाला है उसके लिए, और खासकर जिनका असिस्टेंट कमांडेंट तो अभी है यहाँ पर 20 तारीख को, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से पेपर देना। और खासकर जिसने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख ले, अपना ये नहीं कि उस टाइम पर आप लोग डाउनलोड करने भागेंगे उसको, तो पहले उसको डाउनलोड करके रख लीजिए ताकि उस टाइम पर कोई भी टेंशन देखने को न मिले। और खासकर जो मेंस वाले हैं उनके लिए तो भैया पूरा टेस्ट मैच चलने वाला है, तो ये वनडे नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, पूरा टेस्ट मैच चलेगा, अच्छे से लिखेगा। और आप लोगों को पता चलेगा जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, लिखते लिखते हाथों की जो उंगलियां वो दुखने लग जाती है तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, काफी टाइम है, अच्छे से अपना लगे रहिए, शानदार तरीके से आप लोग उसको अच्छे से परफॉर्म करके आना है बिना माइंड में टेंशन लिए हुए, क्योंकि यहां पर अगर टेंशन लोगे तो पूरा डिस्ट्रिक्ट कैसे संभालोगे दोस्तों। तो अभी टेंशन नहीं लेनी है, अभी तो एंजॉय करना है, तो एंजॉय करने का टाइम है, एंजॉय कर करके पेपर देके अच्छे से मजे मजे में। तो सबसे पहले तो सुबह उठने वालों को सैल्यूट, भाई साहब पेन पकड़ते हुए भी हाथ ये कह रहा है कि क्या करके मानोगे, और पैर जो है नीचे सुन हो जाते हैं जब चेयर पे बैठता हूँ लेक्चर बनाने के लिए। आप लोगों को पता है कि क्या कंडीशन बनी है सर्दी की, तो अपना ध्यान रखिए बिल्कुल अच्छे से, ताकि कोई बीमार न पड़े। खांसी नजला जुकाम बड़ा फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहा है, तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा जब उठा गए सुबह को, तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को, गुनगुना पानी जरूर पीजिए, ये आप लोगों को एक सही टेम्परेचर बॉडी का रखने में भी आप लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। तो आइए आज का जो युद्ध है वो स्टार्ट करते हैं। ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन जो आप लोग अटेम्प्ट करने हैं, और यही क्वेश्चन फिर मैं आप लोगों को इनके आंसर बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो एक एक कर देख लेते हैं, अच्छे से आप लोग इनको अटेम्प्ट करिएगा, ढंग से सुनिएगा, फिर डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा स्पेशल स्कॉलरशिप जो स्कीम है, जिसको PMSS के नाम से जानते हैं हम लोग, ये इंप्लीमेंट की जा रही है AICTE। तो AICTE क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। अभी हमारी कंट्री की जो रैंक है वो यहां पर गिरकर 129 से 131 हो गई है, तो ये इंडेक्स अभी सामने निकल कर आया, इस इंडेक्स का नाम आप लोगों को बताना है, और किसके द्वारा ये तैयार किया जाता है ये भी आप लोग बताइए, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हो गए यहां पर आप लोगों के। आगे बात करते हैं यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बारे में, इसके द्वारा भी प्रोजेक्ट था यहां पर ये, जिसके चलते एक रोड मैप प्रोवाइड करा रहे हैं जो हमारी कंट्री में एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग के बारे में, यानी कि जो जहाज वगैरह होते हैं उनके फाइनेंसिंग के बारे में, और इसी के साथ में लीज, इसी के साथ में लीज देने पर, नहीं कहते कि लीज पर दे रखी है जमीन, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये इसका प्रोजेक्ट का नाम आप लोगों को यहां पर बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है, कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टीमेट, ये यहां पर NERPSIP, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, जिसमें लगभग 6,700 करोड़ रुपए यहां पर एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। इसी के साथ में हमारी कंट्री के साथ में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम आप लोगों को बताना है, जिसने बोला है कि 1,000 मिलियन जो डॉलर है हमारी कंट्री को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, और खासकर ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसके तहत यहां पर काम प्रोवाइड कराया जाएगा। तो काफी इंपोर्टेंट है, पता होना चाहिए आप लोगों इसके बारे में, कौन सी मिनिस्ट्री है जो हमारी कंट्री में माइनॉरिटी को नोटिफाई करती है कि भैया ये सिख माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो आप लोगों को ये बताना है कौन सी मिनिस्ट्री है जो ये काम करती है। और हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 6 माइनॉरिटी हैं, 5 के नाम लिखे हुए हैं, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज़ोरास्ट्र, बुद्धिस्ट, एक का नाम रह गया, ये आप लोग बताइए वो कौन सी माइनॉरिटी बच गई है। अगर बात करें नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में, तो हमारी कंट्री में ये प्रोजेक्ट जो है जल मिनिस्ट्री के अंडर आता है, पर लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ये सपोर्ट किया जा रहा है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसका नाम आप लोगों को बताना है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है।
प्रकाश भारती के जो सीईओ, जिनका नाम आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, तो ये जो सीईओ हैं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब हमारी कंट्री की कोई पर्सनैलिटी है उसको इंटरनेशनल लेवल की पोस्ट मिल जाती है, ठीक है, तो इसलिए यहां पर उसका नाम आप लोगों को जरूर याद रखना है। तो पर्सन इन न्यूज में कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो इनका नाम है शशि शेखर वामपंथी, ठीक है, SSV। तो ये अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम आप लोगों को बताना है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बिना ऑप्शन के आंसर देना सीख लेना, एग्जाम में ना जो पेपर है ना उसके क्या कहते हैं फरकच्चे उड़ा दोगे, ठीक है। फरकच्चे। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट डे जो है आज, यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटी राइट के बारे में बात कर रहा है। देखिए मेजोरिटी कंट्री में जो पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, फिर उसके बाद में जो काफी कम जो कम्युनिटी होती है, एक मेजोरिटी के बाद में जो कम्युनिटी आती है, अलग अलग राज्य में ऐसा हो सकता है कि एक कम्युनिटी जो है वो सेंटर में माइनॉरिटी में है पर लेकिन एक राज्य में मेजोरिटी में हो सकती है, तो इसमें कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। तो जो भी माइनॉरिटी होती है, इनकी जिनकी संख्या कम होती है उनके राइट के बारे में बात की जा रही है। तो माइनॉरिटीज राइट्स डे ये इन इंडिया, ये यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है 18 दिसंबर को, यानी कि आज के दिन, तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो जो लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, ये कास्ट या कलर से रिलेटेड जो माइनॉरिटी होती है उनके बारे में बात की जाती है। तो हमारी कंट्री में जो माइनॉरिटी है ये डिसाइड करती है माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री। तो हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 6 माइनॉरिटी हैं, तो ये 6 की 6 माइनॉरिटी के नाम आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो माइनॉरिटी हैं इनको अलग अलग प्रिविलेज दिए जाते हैं, खासकर बीइंग ए माइनॉरिटी इनको सपोर्ट किया जाता है। और इस तो इसके चलते जो भी इस तरीके से ऐसे रखने की कोशिश की जाती है कि ऐसा नहीं कि मेजोरिटी रहेंगे तो वही यहां पर लाइफ को एंजॉय करेंगे, जो माइनॉरिटी है उनके भी हक होते हैं, उनको भी प्रॉपर वे में उसी तरीके से उनको राइट मिले सारे जैसे कि दूसरे सिटीजन को मिले हैं, तो उनमें कोई भी उनके हक जो उनके अधिकार हैं उसमें कोई भी कमियां खामियां नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए प्रॉपर एक मिनिस्ट्री है, इनकी मिनिस्ट्री है जो ये, इस मिनिस्टर के नाम के हैं ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, डिटेल में काफी डिस्कस करूंगा। और आप लोगों से मैंने अवार्ड के बारे में पूछा था कि क्या अवार्ड होना चाहिए, तो मैक्सिमम का तो जो आंसर है वो ये कि सर आपसे मिलना है। मिलने का भी यार कुछ करेंगे आगे चल के, खैर ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलना है, मिलने का है, पर हाँ ये है कि टाइम आएगा तो जरूर रखूंगा। और जिनके सिलेक्शन हो चुके हैं और जिनके सिलेक्शन आगे होने वाले हैं सबको इकट्ठा करके मिला करेंगे, ऐसा नहीं है कि जिनके हो चुके हैं सर अब क्या होगा, तो ऐसा नहीं है, जिनके हो चुके हैं क्योंकि वो काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन SLV फैमिली में दे रहे हैं। जी हाँ, ये सही कहा, कई सारे बच्चों ने बोला सर बुक्स दिया करो, पिछले लगभग 6-7 महीनों में 100 से ज्यादा बुक्स जो है मैं अब तक दे चुका हूं, वो अलग बात है कि आप लोगों को मैंने कभी बताया नहीं है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, वो नहीं कहते कि आप लोगों ने कई बार शब्द सुने होंगे कि नेकी कर दरिया में डाल, तो चीजें ज्यादा गुणगान करना अच्छा नहीं लगता है, पर हाँ कभी कभी कई सारे बच्चे बोलते हैं कि ऐसा करा जाए तो बताया जाए। तो देखिए ये सारी चीजें, अगर किसी को कुछ गिफ्ट देना है ना, मेरे हिसाब से जो काफी अच्छी चीज लगती है वो है किताब। किताबों में एक बंदे के द्वारा बोला गया सर भगवत गीता दो, तो भगवत गीता चलो हिंदू को दे दो, मुसलमान को क्या देंगे, जैन को क्या देंगे, सिख को क्या देंगे। तो सबसे अच्छी जो किताब मुझे लग रही है, या तो कोई मोटिवेशनल बुक होनी चाहिए या फिर हमारा संविधान कैसा रहेगा। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, संविधान, तो संविधान आराम से दिया जा सकता है, अपनी कंट्री का संविधान हर एक पर्सन के हाथ में होना चाहिए, तो ये काफी अच्छा एक सजेशन है किताबों के बारे में। एक और यहाँ पर एक कई दिन से क्यूरियोसिटी यहाँ पर बच्चे के अंदर थी, जो कई दिनों से मुझे मेल भी कर रहा है कि सर ये क्या कंडीशन है, तो आप लोगों को बता देता हूं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए जिसके आगे ये आप लोगों को लोगो दिखता है ना, ऐसा लोगो बना हुआ है, इसका मतलब है कि इन्होंने यहां पर जो SLV के नीचे जो ज्वाइन बटन लिखा हुआ है उसको ज्वाइन कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है यहां पर इनके द्वारा। तो यहां पर जिसने भी ज्वाइन कर रखा था उसके सामने ये ऐसा सिंबल बना आता था, पर लेकिन अब यहां पर ये सिंबल चेंज हो गया है। अगर कोई नया मेंबर ज्वाइन करता है उसके सामने 6 लिखा हुआ मिलेगा, जिसको 1 महीना हो गया उसके सामने 5 लिखा हुआ मिलेगा, जिसको 2 महीने हो गए उसके सामने 4, जिसको 6 महीने हो गए उसके सामने 3, जिसको 12 महीने हो गए उसके सामने 2, और जिसको 24 महीने हो गए उसके सामने 1 लिखा हुआ मिलेगा। तो बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो यहां पर जुड़े हुए हैं, और यही जो पैसा यहां से आता है, जो भी यहां पर जो पैसा इकट्ठा होता है इन्हीं से मैं आप लोगों को जो बुक्स वगैरह दी जाती है वो यहीं से देता हूं। जैसे हमारी जो फैमिली में 2 सबसे पुराने जो मेंबर हैं ये हैं यहां पर आशीष और इसी के साथ में वसीम, ये लगभग 20 महीने से साथ में जुड़े हुए हैं। तो जो भी यहां से जो भी कंट्रीब्यूशन आता है थोड़ा बहुत, हालांकि देखिए ये बात मैंने आप लोगों को पहले बता रखी है कि इसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि हाँ आप लोग इसको ज्वाइन करो, इसमें किस भी मैं एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं, लेक्चर सबके लिए ऐसे ही हैं, इनको भी ऐसा ही मिल रहे हैं, इनमें किसी में भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं आप लोग एक्स्ट्रा दूंगा अगर आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे। ये यूट्यूब का एक फीचर है, आप लोग चाहे ज्वाइन करें चाहे ज्वाइन ना करें, पढ़ाई में जो मिल रहा है वो सबको बराबर मिलेगा, ठीक है। पर हाँ ये है कि जो यहां से जो भी मनी आती है, जो मुझे लगता है किसी की हेल्प करनी चाहिए तो वो मैं हेल्प करता रहता हूं यहां से, तो यहां से ये मनी निकल के आती है। तो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू जो इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो जिसके सामने अब से यहां पर आप लोगों के सामने लोगो दिखावा नहीं मिलेगा, यहां पर अब से आप लोगों के सामने जो आएगा यहां पर ये नंबरिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये नंबर जिसका नंबर 1 होगा इसका मतलब ये कि वो सबसे पुराना मेंबर है, जिसका नंबर 2 होगा वो लगभग यहां पर 12 महीने से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
तो ये नंबरिंग यहाँ पर आपसे आपके सामने यहाँ पर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, फिर से वही बोल रहा हूँ, ये मत पूछना सर कैसे ज्वाइन करना है, कैसे, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये ओपन किया गया यूट्यूब की साइड से, क्योंकि यूट्यूब ने रिवेन्यू जो था वो काफी डाउन कर दिया था जो क्रिएटर है, तो उनको लगा कि अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है उसमें बस ये होता है कि जैसे आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोगों के जो मैसेज होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनके मुझे सबसे अलग दिख जाते हैं। जब मेरे पास में जो क्रिएटिव स्टूडियो है वहां पर सबसे अलग इनके मेंबर के जो मैसेज दिख जाते हैं, यानी कि मेरे तक पहुंचना इनके लिए काफी आसान हो जाता है। डायरेक्ट सबके मैसेज मुझे एक साइड में दिख जाते हैं, अलग ही जो मेंबर होते हैं। ये यूट्यूब का फीचर है इसमें, ठीक है। पर लेकिन एजुकेशन को लेकर बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा, मेरे लेक्चर सबके लिए बिल्कुल एक जैसे हैं, उसमें किसी को भी कम या ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, सबको एक जैसा मिलेगा, चाहे ज्वाइन करो चाहे ना करो, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। बस हाँ ये कि मैसेज मेरे तक पहुंचेंगे, बस ये एक आप लोगों को और आपके आगे एक नंबर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये है बस यहाँ पर, तो इसको ज्यादा क्यूरियोसिटी में मत लीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो ये सारी चीजें अलग चीजें हैं, उसमें ज्यादा आप लोग झेलमेल में मत घुसिए, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है यहाँ पर, ये अभी प्रस्तुत किया गया, तो हमारी कंट्री की जो रैंक थी वो 129 थी। अब ये 129 जो रैंक थी ये यहाँ पर घटकर हमारी 131 हो गई है। वैसे नंबर तो बढ़ा है पर लेकिन रैंक घट गई है, ठीक है। जितना ऊपर को जाते हैं उतनी बर्बाद रैंक होती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो पहले यहाँ पर 129 थी, अब 131 हो गई है, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो कहीं में ये रैंक थी और क्या क्या कंडीशन देखने को मिली है, थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग HDI के नाम से भी जानते हैं, नॉर्मली इसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से भी कई बार आप लोग बोल देते हैं, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको UNDP बोलते हैं, इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। इसमें बेसिक तीन डायमेंशन को फोकस किया जाता है। तीन डायमेंशन क्या है, एक तो हेल्थ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दूसरा एजुकेशन और तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि कैसा स्टैंडर्ड है रहने का। तो तीन डायमेंशन देखने को यहां पर मिलती है। एक बात और याद रखिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, हेल्थ और एजुकेशन जिसको अच्छे से मिल जाती है उसको आप लोग ह्यूमन कैपिटल भी बोल देते हैं। ह्यूमन कैपिटल यानी कि इंसान जो है वो एक तरीके से ऐसे हो जाता है जैसे कैपिटल यानी कि पैसा, यानी कि जिसके पास में अच्छी हेल्थ होगी, जिसके पास में अच्छी एजुकेशन होगी, वो बच्चा आगे चल के क्या कर सकता है, आसानी से वो बच्चा आगे चलकर एक अच्छी जॉब कर सकता है, तो उसको कैपिटल भी मानने लगते हैं। और इसी के साथ में यहां पर ये तीन डायमेंशन हो गई, ये तीन डायमेंशन चार इंडिकेटर में डिवाइडेड है। चार इंडिकेटर कौन से हैं, यहां पर हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की जान चली जाती है पैदा होने के बाद में, कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है यानी कि कितने जीवित यहां पर रहते हैं, हेल्थ वगैरह कैसी है। एजुकेशन में बात करते हैं कि कितने ईयर की स्कूलिंग हुई है, ठीक है, यानी कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, और इसके साथ में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि यहां पर एजुकेशन को पूरा फोकस दिया जाता है। लिविंग स्टैंडर्ड में यहां पर ये ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा यहां पर काउंट की जाती है, इसके बारे में भी बात करूंगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं रहेगा बिल्कुल भी। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, तो पाकिस्तान के नाम जो एक अच्छा ये काम है ये है कि है यहाँ पर, देखिए एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको आवश्यकता पड़ी, इनको लगा कि यार कंट्री की खस्ता हालत है, तो इनके द्वारा ये इंडेक्स तैयार किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इनका नाम है महबूब उल हक, तो इनका नाम याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है महबूब उल हक, इनके द्वारा यहाँ पर ये तैयार किया गया था इंडेक्स। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है UNDP, तो ये यहाँ पर तैयार करती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो इसी के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो ऑफिस होता है इसके द्वारा यहाँ पर ये सारी चीजें प्रिपेयर की जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं ताकि कोई माइंड में कंफ्यूजन न रहे। आप लोगों को यहां पर अगर बात करें ग्रोस नेशनल जो इनकम है इसके बारे में, तो नॉर्मली आप लोग GDP तो जानते हैं, GDP को बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारी कंट्री की फिजिकल बाउंड्री के अंदर, जो हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है यानी कि हमारी कंट्री की जो सीमा है उसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है, गुड्स का मतलब कोई सामान बनाता है, कोई पेन बना रहा है, कोई कॉपी बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, सर्विसेज का मतलब जैसे कि कोई लॉयर है, कोई टीचर है, कोई वकील है, ये सारी सर्विसेज होती है। तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है उसको आप लोग GDP बोलते हैं उस कंट्री की। अब इस GDP में आप लोग कुछ ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, ये ऐड नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इस GDP में आप लोग जो मनी है हमारी कंट्री में, मनी फ्लोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री, यानी कि बाहर की कंट्री से अगर हमारी कंट्री में जो मनी आ रही है, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी कंट्री के जो लोग बाहर गए हैं अपनी कंट्री में पैसा भेजते हैं, तो ये हो गया मान लीजिए एक तरीके से रेमिटेंस आप लोग बोल सकते हैं, या फिर हमारी कंट्री की जो कंपनी बाहर जाकर काम कर रही है, जो पैसा कमा रही है, इस तरीके से हमारी कंट्री में जो इनकम आ रही है ये, ठीक है, और हमारी कंट्री से जो बाहर फॉरन कंट्री में इनकम जा रही है। जैसे आज के डेट में आप लोगों को बात करूं, यूट्यूब है जैसे, तो यूट्यूब की जो भी अर्निंग होती है वो क्या करता है, यूट्यूब 55% तो वो जो भी यहां पर इसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर जो भी काम करते हैं उनको देता है, और 45% जो है वो अपने आप रख लेता है। तो ये आधे के करीब लगभग
लोग यूट्यूब रखते हैं अपने पास में। तो इस तरीके से बहुत सारे जो लोग काम करते हैं, या फिर आप लोग भी, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं हमारी कंट्री में जहां बाहर के लोग भी काम करते हैं आकर, तो हमारी कंट्री में से उनकी इनकम जाते हैं तो अपनी कंट्री में उनका रेमिटेंस जाता है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली जो ये टोटल इसका जो डिफरेंस होगा यहां पर, वो इसमें ऐड किया जाएगा जीडीपी में, तो वो यहां पर ग्रोस नेशनल इनकम आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। समझ गए ना, जीडीपी हो गया, बाहर पैसा जा रहा है और बाहर से पैसा आ रहा है, उसका जो डिफरेंस होगा, मान लीजिए बाहर से पैसा हमारी कंट्री में 100 रुपए आ रहा है, ठीक है, और जा रहा है 50 रुपए, तो जीडीपी में 50+50 रुपए ऐड यहां पर हो जाएंगे, तो ये पूरा जीएनआई हो जाएगा। अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आइए अब थोड़ा समझ लेते हैं यहां पर इसके बारे में और डिटेल में। जो यहां पर अब की बार का जो इंडेक्स तैयार किया गया है, ये इंडेक्स तैयार किया गया है, इसमें हमारी रैंक जो है वो 131 देखने को मिल रही है आप लोगों को। कंट्री में जो हमारी है उसको मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल पर रखा गया है। हमारी कंट्री में जो स्कूलिंग वाला जो एरिया था यहां पर, ये लगभग 12.2 ईयर था, एज कंपेयर टू अगर बात करें बांग्लादेश में 11.2 और इसी के साथ में पाकिस्तान में 8.3, ठीक है। इंडिया में अगर ग्रोस नेशनल इनकम के बारे में बात करें, तो हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो 2018 में थी यहां पर ये 6829, ठीक है, तो इतना डॉलर, यानी कि 6829 डॉलर, ठीक है। अब यहां पर ये घटकर कितनी हो गई है, 6681 हो गई है, ठीक है, 2019 में, तो इसकी वजह से भी इंडेक्स जो है वो थोड़ा नीचे गया है। इसी के साथ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात की जाए, तो यहां पर आप लोग देखते हैं यहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी कंट्री की 69.7, ठीक है, तो ये है हमारी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्लाइटली लोअर देन द साउथ एशियन जो एवरेज है उससे थोड़ी सी लोअर है। तो ये कई सारी चीजें जो कम हो रही है। अभी आप लोगों को बताया इंडेक्स कैसे तैयार होता है, इन तीन चीजों से तैयार होता है, और तीन चीजों में अगर रैंक अच्छी नहीं रहेगी तो इसका मतलब इंडेक्स खराब होगा, तो इसीलिए हमारा इंडेक्स जो है यहां पर अब की बार डाउन हो गया है। तो यह पूरी न्यूज इसके बारे में। तो अब इसके बारे में कुछ लिखने के लिए भी अगर आता है तो आप लोग वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो अच्छा है, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर, इसको नेशनल न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, वैसे इकोनॉमी से कनेक्टेड है पर हमारी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये यूएसए में जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो मरता क्या ना करता वो वाली कंडीशन में है, जाते जाते भी हरकतों से आवाज नहीं आ रहे। हमारी कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में डाल दिया गया है। मैनिपुलेट करना क्या होता है, बेवकूफ बनाना, ठीक है, सामने वाले का बेवकूफ बनाना। तो बेवकूफ कैसे बनाया जाता है यहां पर, करेंसी मैनिपुलेट करके। देखिए अगर मान लीजिए आज के दिन में हमारी करेंसी में अगर बात करें, $1 की वैल्यू अगर आप लोग लेते हैं, अगर एवरेज लगा के चलते हैं, वैसे ऊपर नीचे होता रहता है, $1 मान लीजिए आज के दिन में हम लोग 70 रुपए का लगाते हैं, ठीक है, $70 का $1, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा अगर यूएसए से हमारी कंट्री में कोई $1 लेके आ रहा है तो हमारी कंट्री में वो 70 रुपए का सामान खरीद कर चला जाएगा, ठीक है। पर लेकिन अगर ये सोचिए, अगर यहां पर $1 की वैल्यू अगर हम लोग बोले कि 90 रुपए हो गए, तो अब यहां पर $1 लेकर आएगा अपनी कंट्री का और हमारी कंट्री से 90 रुपए का सामान खरीद कर लेकर चला जाएगा। अगर हम बोले कि $1 की वैल्यू जो है यहां पर ये 300 रुपए हो गई है, तो इसका मतलब है कि $1 लेकर आएगा हमारी कंट्री में और 300 रुपए का सामान खरीद कर चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह, अगर यूएसए से कोई हमारी कंट्री में कोई सामान खरीदने आता है तो उसको हमारी कंट्री में सामान सस्ता लगेगा, तो आसानी से वो सामान बहुत सारा खरीद कर जाएगा और इससे हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चाइना करता है ये हरकतें, अपनी करेंसी को डिवेल्युएट करके रखता है, इसको डिवेल्युएशन बोलते हैं करेंसी का, कि आप लोग करेंसी को डिवेल्युएट कर दीजिए, अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दीजिए जिससे कि आप लोग का एक्सपोर्ट बढ़ जाए। तो इसलिए चाइना के ऊपर कई बार ऐसे स्टेप उठाते हैं यहां पर यूएसए। अभी हमारी कंट्री के ऊपर भी इसने बोला है कि इंडिया भी करेंसी को मैनिपुलेट कर चल रहा है अपनी कंट्री को फायदा पहुंचाने के लिए, पर लेकिन इसका नुकसान भी है। अब मान लीजिए डॉलर के कंपेयर में हमारी कंट्री की जो रुपया है वो कम हो गई है, बहुत ज्यादा कम हो गया है। अब आज के डेट में मान लीजिए हम लोग कहीं से बाहर से कुछ सामान खरीद कर लेकर आते हैं, वो वहां पर $1 का है, $1 का सामान था, हमको उसका 70 रुपए देना पड़ रहा था। अब मान लीजिए हमारी रुपये की वैल्यू हो गई है $1 = 300 रुपीज। अब जो काम हम लोग 70 रुपए में कर रहे थे, यहां तो $1 ही देना है, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में हमारे 300 रुपए जाएंगे, तो हमारे लिए जो एक तरीके से इंपोर्ट है वो महंगा हो जाता है हमारे लिए। एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है पर लेकिन इंपोर्ट महंगा हो जाता है, तो नुकसान भी है। तो करेंसी को मैनिपुलेट करना उस कंट्री के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, यानी कि अपना सामान बेचती है, पर लेकिन जिसका इंपोर्ट ज्यादा होता है उसको ये नुकसान भी पहुंचाता है। पर लेकिन कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, बैलेंस बनाने के लिए काम चलता रहता है। हम लोग क्रूड ऑयल काफी ज्यादा खरीद कर लेकर आते हैं बाहर से, कच्चा तेल, पर उसमें से लोग मिट्टी का तेल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, ग्लिसरीन निकालते हैं और भी कई सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालते हैं, तो फिर इनको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब यह कि हमारी कंट्री जितना ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदेगी उतना ही ज्यादा हम लोग यहां पर जो ऑयल के प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो जाएगा कि हमारी कंट्री में अगर इंपोर्ट हो रहा है तो एक्सपोर्ट भी होगा, तो इसलिए बैलेंस बना रहता है, जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उतनी ही चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, अगर नॉर्मल इस तरीके से भी आप लोग देखकर चलो। तो जो कंट्री है वो मैनिपुलेट करती है करेंसी को
आर्टिफिशियली ताकि अपनी कंट्री का जो सामान है खासकर वो बेचा जा सके आराम से। तो यहां पर ट्रेड फैसिलिटेशन जो ट्रेड इन्फोर्समेंट एक्ट 2015 है यूएसए का, उसके द्वारा यहां पर जो एक तरीके से उसका जो यूएसए का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो यहां पर जो उनकी कांग्रेस है उसको बार बार बताते रहते हैं 6-6 महीने में कि कौन सी कंट्री ये हरकतें कर रही है। तो उनके द्वारा बताया गया कि इंडिया हरकतें कर रही है, तो इंडिया को यहां पर करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में डाल दिया गया है। तो करेंसी मैनिपुलेटर कहां कहां पर क्या ये आइडिया लेकर चलते हैं, देखिए अगर उस एक तो वो कंट्री के साथ में ऐसी एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए यूएसए को हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यूएसए से कम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हम लोग यूएसए को ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे अपना सामान ज्यादा बेचेंगे और खरीदेंगे कम, तो इसका मतलब यह कि यहां पर इसके बीच में डिफरेंस आ गया है, ठीक है, यानी कि हमारी कंट्री यूएसए से हम अच्छी पोजिशन में है, हम लोग ज्यादा बेच रहे हैं और खरीद कम रहे हैं, ठीक है। तो एक तो उन कंट्री को ज्यादा ध्यान में रखकर ये चलते हैं, ठीक है। इसी के साइड में कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ये तो ट्रेड सरप्लस हो गया जिसका यूएसए के साथ में ट्रेड सरप्लस होता है, इसको बेसिकली ट्रेड सरप्लस कंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो उसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं, इसी के साथ में दूसरा जो इंपॉर्टेंट, अगर कॉन्टिन्यूअसली यहां पर करेंसी अकाउंट का सरप्लस यहां पर बना हुआ है उसके ऊपर भी ये ध्यान रखकर चलते, करंट अकाउंट का सरप्लस बना हुआ उसके ऊपर भी ये ध्यान रखकर चलते हैं। और वन साइडेड इंटरवेंशन अगर देखने को मिलता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, तो उसमें भी ध्यान रखे चलते हैं कि अपनी साइड से ही कुछ ना कुछ चेंज कर लिया है, तो इसके चलते ध्यान रखते हैं। यूएसए के बारे में बात करें तो थर्ड टाइम, यानी कि ऐसा नहीं है पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, उन्हें देखिए तनुवेट समन्नू मूवी उसमें कहती है ऐसा पहले भी हुआ है, कहते नहीं ऐसा पहले हुआ है कि समोसा खाने जाते हैं ना तो काफी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे वो मूवी। तो वही बात है कि तीन बार पहले भी यहां पर ही हरकतें कर चुके हैं, हमारी कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में डाल चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे साथ में इतना प्यार दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। यहां पर देखिए ताइवान हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडिया हो गया, तो इस तरीके से कई सारी अप टू द 7 कंट्री जो है यहां पर ऑलरेडी इस वॉच लिस्ट में इनके अंदर रखी गई है इनके द्वारा। तो आरबीआई जो है क्या करता है हमारी कंट्री में, आरबीआई इस टाइम पर क्या करता है, डॉलर परचेज करने बैक कर देता है, यानी कि एक तरीके से आरबीआई माइट सेट बैक यानी कि फ्रॉम इट्स डॉलर परचेज, अगर डॉलर खरीदेगा आरबीआई एक तरीके से तो हमारी कंट्री में डॉलर की कमी होगी, तो इसका मतलब यह कि डॉलर हमारी कंट्री में आ रहे हैं, तो इसके चलते क्या होता है ये यहां पर इसको डॉलर को खरीदना, ये बेसिकली खरीदना कम कर देगा अगर इस लिस्ट में हम लोग को डाल दिया जाता है, इसकी वजह से यहां पर ये कंडीशन निकल कर आती है। तो आरबीआई के लिए भी इंडिकेशन होगा, पर लेकिन आरबीआई भी यहां पर कई सारी बातें बोलते हैं, कहता है ये सही तरीका नहीं है, इस तरीके से अगर कोई स्टेप उठाकर चलते हैं तो आरबीआई को हालांकि इंटरवेंशन अब यहां पर कट करना पड़ सकते हैं, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, खासकर रूपी को स्ट्रॉन्ग, रूपी आप लोगों को स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आएगा, इनके जो 70 है वो हो सकता है कि 65 हो जाए, तो रूपी जितना स्ट्रॉन्ग होगा फिर वो कंडीशन आप लोगों को एक अलग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरा एक माहौल यहां पर बनाया गया है। तो ये था पूरा इंपॉर्टेंट न्यूज, आई होप कि माइंड में पूरा क्लैरिटी आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं पर्सन इन न्यूज, और यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे। हमारी कंट्री के जो प्रसार भारती के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जिनका नाम जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस भी किया था, तो आंसर देखिए आप लोगों ने, से क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग उनको देखते रहे, ठीक है, तो ताकि आप लोग फिर कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में देखने को न मिले, ठीक है। तो यहां पर इनका नाम है शशि शेखर वामपंथे, ठीक है। तो यहां पर ये रिसेंटली अभी वाइस प्रेसिडेंट यहां पर इलेक्ट किए गए, किसके, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनिट, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में एबीयू बोला जाता है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनिट। तो 3 साल के लिए यहां पर इनको यहां पर इलेक्ट किया गया है। तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग जो यूनिट है ये 1964 में इसको बनाया गया था। टोटल मिलाकर जो इसमें 286 के करीब मेंबर हैं, 57 कंट्री के और रीजन के भी अगर देखने को मिलेंगे। तो ये एक तरीका प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो कि ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर ये बेसिकली फोकस देती है ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर, जो भी आज के डेट में आप लोगों सैटेलाइट टेलीविजन से जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये कोलालंपुर मलेशिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा गोला, आप लोगों को देखने को मिला, ये हमारा गोला, तो हमको अपने गोले पर जाना है, तो मलेशिया यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहां पर एग्जैक्ट मलेशिया आप लोगों के सामने यहां पर, ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, इसको देख लेते हैं। तो मलेशिया हो गया, तो मलेशिया यहां पर इसकी कैपिटल हो गई कोलालंपुर। ये मलक्का स्टेट जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है मलक्का स्टेट, ठीक है, तो ये मलक्का स्टेट है आप लोगों के सामने, यहां से होते हुए सिंगापुर से होते हुए इधर आप लोग मलक्का स्टेट से होते हुए यहां पर आप लोग गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया, इधर आएंगे तो हमारा लंगोटिया यार हो गया चाइना, तो साउथ चाइना सी में भी आप लोग यहां से एंट्री करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैप को देख लिया कीजिए जूम कर, और जो कई सारे बच्चे बोलते हैं सर मैप कैसे यूज करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, हाउ टू यूज गूगल मैप बाय वीर, सर्च कर लीजिएगा, ये पूरा कैसे इसको आप लोग गोले में कन्वर्ट करना है और कैसे इसको आप लोगों, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है डिटेल में, ये क्या है सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा रखी है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पर लेकिन ये मैं आप लोगों को लैपटॉप पर यूज करके दिखा रहा हूं, मोबाइल के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो आप लोग चेक कर लेना, कभी बोलो कि सर मोबाइल पे तो नहीं हो रहा है, तो उसको मैंने चेक नहीं किया एक्चुअली, तो मैं अभी लैपटॉप पे कर रहा हूं, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट न्यूज, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं,
नॉर्थ ईस्ट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ना, ये आप लोग जरूर याद रखा कीजिए। कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए आते हैं इस पर्टिकुलर रीजन से। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे हमारी कंट्री में जो सिक्किम है वो ओनली अकेला राज्य को टच करता है हमारी कंट्री में, ये है वेस्ट बंगाल। बाकी इंटरनेशनल बाउंड्री तीन है इसकी, एक साइड में नेपाल हो गया, उधर चाइना तिब्बत और इधर भूटान हो गया। इसी तरीके से एक अकेला राज्य ऐसा है हमारी कंट्री में जो यहाँ पर एक अकेले राज्य को टच करता है और अकेली कंट्री को टच करता है, वो कौन सा है? वो है मेघालय। ठीक है, ऊपर हो गया आसाम और नीचे हो गया बांग्लादेश, और किसी को टच नहीं करता है। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं। आप लोग ऐसे राज्यों के नाम बताइए जो हमारी कंट्री में राज्य ओनली दो राज्य की बाउंड्री को टच करते हैं। इतने कितने स्टेट है हमारी कंट्री में जो ओनली दो स्टेट की बाउंड्री को टच करते हैं? तो ये क्वेश्चन है, जाकर मैप को निहारिएगा और मैप को जरूर टाइम दे कीजिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, यूनियन कैबिनेट यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया यहां पर रिवाइज्ड कोस्ट एस्टिमेट, यहां पर नॉर्थ ईस्ट रीजन पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जिसको NERPSIP बोलते हैं आप लोग। ठीक है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है उसमें पावर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए ये 6,700 करोड़ रुपए एस्टिमेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। ये जो इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये पावर ग्रिड जो है, पावर ग्रिड ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि PSU है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है। तो इसके द्वारा यहां पर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, और किसके साथ मिलकर इंप्लीमेंट किया जाएगा ये प्रोजेक्ट? ये किया जाएगा 6 जो बेनिफिशियरी यानी कि जिनको फायदा मिलने वाला है नॉर्थ ईस्ट में, जैसे आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो ये राज्य जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए आसाम हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, तो ये नागालैंड हो गया, यहां पर मिजोरम हो गया, ऊपर अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो ये सारे राज्य हैं यहां पर, इनमें जो इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो यहां पर इनके अंदर आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बाकी के 6 राज्य आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो स्कीम है यहां पर, ये मेन ऑब्जेक्टिव ये है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहां पर किया जा सके नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन का, और जो यहां पर एक तरीके से इंट्रा स्टेट जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है उसको और दुरुस्त किया जा सके। अगर बिजली नहीं पहुंचती है तो सबके घरों में बिजली पहुंचाई जा सके, तो इसके चलते ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है इस प्रोजेक्ट के बारे में, ये जो प्रोजेक्ट है यहां पर ये कमीशन किया गया, ये कमीशन किया जाएगा दिसंबर 2021 में। तो दिसंबर 2021 में यहां पर ये कमीशन किया जाएगा, और उसके बाद में जिस भी कमीशन इसका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में रेस्पेक्टिव जो राज्य होगा, जो 6 राज्य मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, वो खुद की जो नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट राज्य की जो यूटिलिटीज है वो यहां पर इसको अपने हिसाब से लेकर चलेंगी। ठीक है, बाकी जो स्कीम है यहां पर सेंट्रल सेक्टर, जो स्कीम है यहां पर ये सेंट्रल सेक्टर प्लान होता है बेसिकली, यानी कि दो स्कीम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेक्टर का मतलब तो ये होता है इसमें सारा पैसा सेंटर ही देगा, यानी कि सेंटर का सेक्टर है ये। स्पॉन्सर्ड का मतलब ये होता है कि भैया स्पॉन्सर करो। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना, जो मूवी आई थी सलमान खान की, कौन सी थी? सुल्तान। ठीक है, रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो सुल्तान मूवी में उसने वो कुकर वाले के पास जाता है कि भैया मुझे स्पॉन्सर कर दो, तो उसका वो कहता है कि मेरे बाप को ना हेड अटैक आ जाएगा। तो वही स्पॉन्सर का मतलब होता है कि मतलब एक तरीके से एडवर्टीजमेंट टाइप में। ठीक है, तो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी स्पॉन्सर वाले में, पर लेकिन सेंट्रल सेक्टर वाली स्कीम में ओनली काम करेगा कौन? यहां पर सेंटर काम करेगा ओनली, पूरा पैसा सेंटर से आएगा। ये स्कीम जो है ये असिस्टेंट यहां पर देखने को मिल रहा है वर्ल्ड बैंक का भी, तो वर्ल्ड बैंक का असिस्टेंट देखने को मिल रहा है। तो जो बजट सपोर्ट है यहां पर ये 50-50 है, यानी कि एक तरीके से 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 50% हो गया वर्ल्ड बैंक, तो दोनों का 50-50 है, इसलिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम आ रही है क्योंकि राज्य से पैसा नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसी के साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी यहां पर 89 करोड़ के करीब यहां पर ये फंडेड किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक काफी बड़ा रोल प्ले करता है जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जहां भी बात करें तो वर्ल्ड बैंक आप लोग यहां पर पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है स्कीम के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी कि नरेगा के नाम से इसको जानते थे, फिर इसके आगे चलकर MG लगा दिया, यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसके चलते ये फिर MG नरेगा हो गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इसी के साथ में न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है NDB जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, तो ब्रिक बैंक भी इसको कई बार आप लोग बोलते हैं, इनके द्वारा मिलकर यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लोन लिया गया, साइन किया गया लोन 1000 मिलियन। ये क्या करेगा? ये असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा यहां पर आत्मनिर्भर भारत के थ्रू यहां पर हमारी कंट्री में, जो कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। ये क्या होती है? लोकल एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करती है। आप लोगों को पता है COVID-19 के चलते बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने लोकल एरिया में वापस आ गए, तो इसके चलते उनको जॉब प्रोवाइड कराना काफी ज्यादा जरूरी है।
तो इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी रूरल एरिया में यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी, और नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट जो वर्क है ठीक है रूरल एरिया में, तो इसके तहत यहां पर रिकवरी इकोनॉमिक रिकवरी की भी कोशिश की जा रही है। तो 1 बिलियन का जो लोन है एनडीबी से यहां पर, ये 30 ईयर के लिए यानी कि 30 साल के लिए यहां पर ये इंक्लूडिंग 5 साल का ग्रेस पीरियड है, यानी कि इतना लॉन्ग टर्म लोन होता है कि इसको एकदम से अफरा तफरी में नहीं देना है, आराम से इसको देते रहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखकर चलिए ठीक है। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। अच्छा जो नरेगा है आपने किस स्कीम के अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल के अंदर आता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ये अधिनियम जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। जो स्कीम के बारे में अगर बात करें, हम लोगों ने अभी इसके बारे में बात की, इसके अलावा अगर बात करें हम लोग एनडीबी के बारे में जो कि यहां पर पैसा प्रोवाइड करा रहा है, तो एनडीबी जो है यहां पर जिसको आप लोगों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम दिया, अभी ये इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है जो ब्रिक कंट्री थी उनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। तो ब्रिक कंट्री में कौन कौन आती है, ब्राजील, रसिया यानी कि रशियन फेडरेशन, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 कंट्री है। साउथ अफ्रीका ने बाद में जाकर एड किया, पहले स्टार्टिंग में 4 कंट्री थी यहां पर। 2014 में इसको साइन किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर पर्पज यही रहता है कि इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं ब्रिक कंट्री के लिए वहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है ठीक है। और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी स्कीम है ठीक है, जिसको आप लोग एमजी नरेगा के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी कंट्री में एक एक्ट लाया गया था जिसको आप लोग बोल सकते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये 2005 में हमारी कंट्री में लाया गया था, 2005 में ये लाया गया। फिर आगे चलकर जब आप लोगों को पता है 2005 में हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा आगे चलकर इसमें एमजी नरेगा इसको कर दिया गया, इसको रीनेम कर दिया गया आगे चलकर, यानी कि रीनेम कर इसका नाम क्या, आगे महात्मा गांधी जी का नाम जो है वो ऐड कर दिया गया, तो इसके चलते इस स्कीम का नाम यहां पर चेंज हो गया। फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में जो ये स्कीम प्रपोज की गई थी वो पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा प्रपोज की गई थी, और बाद में चलकर आज के डेट में इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, खासकर गांव वाले एरिया में जिन लोगों के पास में जॉब वगैरह नहीं है उनको जॉब प्रोवाइड कराने की कोशिश इस स्कीम के थ्रू की जाती है। सोशल इश्यूज में यानी कि आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाएंगे कई बार, या फिर इसको स्कीम या सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम PMSS के बारे में बात की जा रही है। तो एक्सपर्ट ग्रुप अभी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहां पर ये हमारी कंट्री में, ताकि इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को एनहेंस किया जा सके, खासकर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में। हमारी कंट्री में पहले 29 राज्य थे और 9 यूनियन टेरिटरी थी, फिर आगे चलकर 28 राज्य हो गए और 8 यूनियन टेरिटरी हो गई। तो लद्दाख और जो जम्मू एंड कश्मीर दो नई यूनियन टेरिटरी बन गई ये निकालकर जम्मू एंड कश्मीर राज्य में से। तो यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की जा रही है और प्राइवेट सेक्टर को भी लेकर आगे साथ में चला जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जो स्पेशल स्कॉलर स्कीम है यहां पर ऑल इंडिया काउंसिल और इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसी के साथ में जो यूथ है यहां पर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के, याद रखिएगा दोनों के लिए है यहां पर ये, तो ये सपोर्ट करेगी एक स्कॉलरशिप टाइप में प्रोग्राम, ताकि यहां पर दो पार्ट में इनको प्रोवाइड कराया जाएगा, एक तो यहां पर एकेडमिक फी और दूसरा यहां पर मेंटेनेंस अलाउंस भी दिया जाएगा। तो दो पार्ट में प्रोवाइड कराई जाएगी स्कॉलरशिप, ताकि जिनको दिक्कत है यहां पर उनको प्रॉपर वे में यहां पर ये चीजें प्रोवाइड कराई जा सके ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ताकि क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है। और अब मैंने चेयर पे पालथी मार लिया ठीक है, पैर थोड़े सुन हो गए बैठे बैठे, तो सर्दी काफी है, बैठो ना अगर चेयर वगैरह बैठो तो थोड़ा सा कंबल वगैरह लेके बैठना ठीक है। हेल्थ के बारे में बात करते हैं, जो ये न्यूज है यहां पर नेक्स्ट, यहां पर जो बात की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर ये 400 मिलियन का यहां पर साइन किया गया एग्रीमेंट। ये बेसिकली देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा वल्नरेबल हाउस होल्ड है, जिसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है COVID-19 के चलते, यानी कि COVID-19 से जो प्रभावित कमजोर घर है, जहां की खस्ता हालत है, घर में कोई एक ही कमाने वाला था, पता चला जॉब चली गई, कुछ लोगों की जान भी चली गई है, तो उसके चलते यहां पर ये हेल्प प्रोवाइड कराएगा। तो 400 मिलियन का यहां पर ये फायदा देखने को मिलेगा। अगर बात करें जो सेकंड ऑपरेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर सीरीज में, जो पहला ऑपरेशन था यहां पर ये 750 मिलियन का ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया था मई के महीने में 2020 में, मार्च में लॉकडाउन लगा, उसके बाद में फिर चीजें आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई, तो ऑलरेडी यहां पर कुछ चीजें की जा चुकी हैं। तो ये जो है एक तरीके से जो कैपेबिलिटी यहां पर स्टेट की उसको स्ट्रेंथन करेगा, नेशनल गवर्नमेंट इंडिया प्रोवाइड करेगी कोऑर्डिनेट, ताकि जहां जहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है जो सोसाइटी में पुअर और जो वल्नरेबल सेक्शन है उसकी हेल्प प्रोवाइड कराई जा सके। तो ये कोविड-19 के चलते एक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है ठीक है।
तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो कई बार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाते हैं इनके बारे में कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में कौन काम कर रहे हैं। तो ये कई सारी जो स्कीम है ऐसी रिवीजन करते रहिए, बाकी कुछ क्वेश्चन मैं पूछता रहूंगा और कई बार तो रिवीजन वैसे ही हो जाता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, हजार बार बोलता हूं, अगर नहीं करोगे तो फिर पछताओगे। ठीक है, और फिर बोलोगे पछताओगे, याद करोगे मेरी वफाएं। ठीक है, फिर मुझे याद करोगे कि सर ने बोला था ऐसा कर लो। ठीक है, ओके आइए आगे चलते हैं। यहां पर ये इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है, बेसिकली किससे रिलेटेड न्यूज है ये बात की जा रही है। यहां पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है IFSCA, इसके द्वारा इशू किया गया यहां पर ये कंसल्टेशन पेपर, जिसमें जो एयरक्राफ्ट लीजिंग रेगुलेशन के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर एक तरीके से जो लीजिंग के जो विनियम है उनके बारे में बात की जा रही है, और इंडिया जो है वो चाहती है कि वर्ल्ड में तीसरे नंबर की लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन जाए 2022 तक। क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे लिए, बाकी दो नंबर पर आज के डेट में कौन से नंबर पर है और बाकी दो टॉप पर सबसे कौन कंट्री है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, प्रोजेक्ट रूपी रफ्तार, ठीक है, तो ये यहां पर प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च किया गया था, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का प्रोजेक्ट है ये, प्रोजेक्ट रूपी रफ्तार। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि जो एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग के बारे में और लीजिंग इंडस्ट्री के बारे में यहां पर बेसिकली बात की जा रही है, ताकि लीज पर भी चीजें दी जा सके और इस तरीके से काम किया जा सके। इसी के साथ में जो एयरक्राफ्ट लीजिंग है यहां पर रिलेटिवली जो न्यू इंडस्ट्री है, एयरक्राफ्ट लीजिंग रिलेटेड टू जो रेगुलेशन है वो सारी चीजें फाइनेंशियल सेंटर के थ्रू IFSCA, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के थ्रू यहां पर प्रिपेयर किया गया था ड्राफ्ट, ताकि इस एरिया को प्रॉपर वे में देखकर इंप्लीमेंट किया जा सके, और जो भी स्टेक होल्डर यहां पर आना चाहता है पब्लिक कमेंट के लिए भी इसको ओपन किया गया। देखिए अगर कोई काम करना चाहता है ना, तो उसके लिए देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट तो रहेगी आप लोगों को हमेशा मनी की, अगर मनी है आप लोगों के पास में तो आप लोग उस चीज को आगे लेकर चल पाओगे, अगर मनी नहीं है तो वो चीज एकदम वहीं पर ही ठप पड़ जाएगी। ठीक है, तो मनी होना काफी ज्यादा जरूरी है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इसलिए पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, इसलिए ओपन किया जाता है कई बार कब लोगों ने पब्लिक फंडिंग, जैसे कि एक बच्चे के द्वारा काफी अच्छा सजेशन दिया गया कि सर आपने पूछा कि अवार्ड देना है, तो उसने बोला कि सर आज के डेट में 7.5 लाख के करीब हमारी कंट्री की फैमिली है। ठीक है, तो हर एक फैमिली मेंबर 1 रुपया डोनेट करेगा, और हर साल ऐसा किया करेंगे 1 रुपया डोनेट किया करेंगे, तो जो पैसा इकट्ठा हुआ करेगा तो जिनका सिलेक्शन होगा उनको प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, तो मनी प्राइज में मनी देना ये एक मतलब सजेशन, तो देखिए ऐसा होता है कई बार कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे समझ में आता है कि हाँ कोई ऑपरेशन होना है, कुछ ऐसी दिक्कत है, ऐसी कंडीशन समझ में आती है, लेकिन नॉर्मली प्राइज के तौर पर मनी जो है वो एक तरीके से एक अच्छा प्राइज नहीं एक तरीके से माना जाता है मेरे हिसाब से, अगर मुझे लगे। वहां पे तो कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो यादगार हो, पैसे तो खर्च करके उड़ा दोगे। ठीक है, बाकी जो यादगार चीजें कुछ ऐसी दी जाएगी जिसको याद रखा जा सके। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर ऐसे भी फैमिली की टी शर्ट होनी चाहिए, ये भी एक अच्छा सजेशन लगा मुझे काफी, टी शर्ट होनी चाहिए, बाकी मिलने का और सेल्फी। एक ने बोला सर सेल्फी खींचकर लगाएंगे, जहां भी ऑफिस में जाएंगे आपको देखकर मोटिवेट होते रहेंगे, तो ये सेल्फी वाला भी अच्छा है, पर लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है मुझे वो बुक्स वाला लगता है। ठीक है, कोई भी एक मोटिवेशनल किताब जो भी लगे सुटेबल, ठीक है, या इस तरीके से जो भी किया जाए, तो सारी चीजें इस तरीके से। और फैन मत बोला करो यार, आप लोग दोस्त हो, ठीक है, तो पक्के जिगरी यार, ये लंगोटिया यार, ठीक है, 4 साल हो गए तो कनेक्ट हुए तो लंगोटिया यार बन गए, तो फैन मत बोला करो, फ्रेंड बोला करो। ठीक है, फैन अच्छा नहीं लगता है ऐसा, इतना वो एक अलग दुनियादारी लगने लगती है फिर। ठीक है, फैन नहीं फ्रेंड बोला करो, ठीक है, अच्छा भी लगता है सुनने में। एनवायरमेंट के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, और फोकस जो है यहाँ पर बेसिकली फोकस है वो वाटर के बारे में है, पानी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो हमारी कंट्री में जो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में बात की जा रही है, ये किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। तो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट किया गया था 2016 में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फिर से याद रखना सेंट्रल सेक्टर, यानी कि 100% जो ग्रांट इंप्लीमेंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से निकल कर आता है या फिर बाहर की एजेंसी देती है, यानी कि हमारी कंट्री में अगर स्टेट से पैसा ले जा रहा है तो स्पॉन्सर्ड हो गई, पर लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर बाहर से पैसा लेकर आ रही है तो फिर उसको उसमें मत कीजिएगा। ठीक है, वो फिर स्पॉन्सर्ड नहीं, फिर वो सेंट्रल सेक्टर हो जाती है। तो इसके लिए 3,680 करोड़ रुपए दिए गए थे, तो यहां पर दिए जाने 8 साल के लिए। तो प्रोजेक्ट का एम ये कि ताकि सबको जो है वाटर रिसोर्स जो है वो था, खासकर वाटर रिसोर्स इन्फॉर्मेशन और इसी के साथ में स्टेंट के जैसे कैपेसिटी को, ताकि सब तक जो है पानी वगैरह प्रॉपर में पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो ये एक तरीके से पर्पज इन सब चीजों का रहता है, खासकर पावर जनरेशन भी आप लोगों को देखने को मिलता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से वहां पर पावर जनरेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, इसी के साथ में मछली पालन हो गया, इरिगेशन हो गया, यानी कि सिंचाई हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है नॉर्मली अगर देखा जाए तो। जी यहां पर ये फोकस किया जा रहा है नेशनल हाइड्रोलॉजी जो प्रोजेक्ट है यहां पर, ये
इसमें ये जो वाटर रिसोर्स डेटा है, नेशनल वाटर इन्फॉर्मेटिक सेंटर, ये यहां पर स्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, हल्की हल्की सी जो कि आइडिया रख सकते हैं। अच्छा, हमारी कंट्री में पाइप वाटर जो है वो कब तक प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, जल शक्ति मिशन के बारे में बात की थी ना हम लोगों ने कई बार, तो उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है जिसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये है यहां पर जो कि आप लोगों से ये सारी कई सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बहुत अच्छे से आंसर दिए गए, कई सारे लड़कों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, अच्छा लगा बढ़कर आप लोगों के आंसर। इसी तरीके से पार्टिसिपेट आप लोग करते रहिए। भाषण चार आइलैंड के बारे में आप लोगों से पूछा था, तो इसको चार पिया आइलैंड के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये जो आइलैंड है यहाँ पर आप लोगों ने देखा, अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो रोहिंग्या कम्युनिटी है उसको बसाने की बात की गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना, बांग्लादेश के अंदर है, ब्यू बंगाल वाले रीजन में आते हैं ये पर्टिकुलर जो आइलैंड है, और हिमालय जो है उससे निकलकर ये बेसिकली ये साइड में हुआ था 2006 में। आसाम राइफल के बारे में बात की गई थी, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स हमारी कंट्री में, जो कि यहां पर बात जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो यहां पर जो सेंटिनलीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये इसका मोटो है। इसी के साथ में शिलोंग इंडिया, इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल, ये था मेन क्वेश्चन, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, ठीक है। हालांकि मैंने बता भी दिया था, तो याद रखिएगा पेरेंट एजेंसी इंडियन आर्मी। कुलदीप जो यहां पर जो इसके डीजी हैं यहां पर, इनका नाम दे रखा है बेसिकली, ठीक है। तो इनका नाम भी कुलदीप के नाम से आप लोग याद रख लीजिए। पीएम वाणी प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, तो ये काफी इंपोर्टेंट है यहां पर ये, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक पोर्टल भी है जहां पर बेसिकली रजिस्टर कराना था, उस रजिस्टर पोर्टल का नाम आप लोग को बताना है। बाकी मैंने इसे किलोमीटर पर आवर में नोट में आप लोग कन्वर्ट करने के लिए बोला था, तो ये है यहां पर लगभग 0.53, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ में ज्वाइंट सेशन के बारे में बात की थी, तो 108 जो है यहां पर आर्टिकल के अंदर आते हैं यहां पर, और हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट इसको बेसिकली बुलाते हैं, पहले स्पीकर फिर डिप्टी स्पीकर, या फिर वो भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन, और वो भी नहीं है तो मिलजुल करके भैया बुला लो किसको बुलाना है, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहां पर जो पहले यहां पर ये देखने को मिली ज्वाइंट सिटिंग, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो देखिए जो एक्सेप्शन है वो है यहां पर संविधान, और जो संविधान का संशोधन करना है या फिर मनी बिल, इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा ज्वाइंट सिटिंग। बाकी ज्वाइंट सिटिंग आप लोग देखते हैं डोबरी के ऊपर यहां पर निकल कर आया ये एक्ट 1961 में, बैंकिंग सर्विस एक्ट ये 1977, सर्विस ये है प्रिवेंशन ऑफ ये प्रिवेंशन ऑफ जो टेररिज्म है एक्ट 2002, और यहां पर ये बिल फॉर वुमेन रिजर्वेशन, हालांकि ये बिल ही रह गया, ये यहां पर आगे नहीं बढ़ा, ठीक है। और जो अभी आप लोगों को जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था ना यहां पर, ये भी ज्वाइंट सेशन आप लोगों को देखने को मिला था, जो जीएसटी रात को इंप्लीमेंट किया गया था हमारी कंट्री में, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर ये कोटेशन देखी जिसकी काफी मोटिवेशनल कोट थी, और यहां पर फिर हम लोगों ने आगे यहां पर तो ये देखिए कोटेशन जो होती है ये भी आप लोगों के द्वारा ही शेयर की जाती है, ठीक है। तो कई सारे फैमिली मेंबर काफी अच्छी अच्छी कोटेशन शेयर करते हैं, काफी मजा आता है पढ़कर आप लोगों की कोटेशन, बड़ी प्यारी कोटेशन होती है। और ये तो है यहां पर जो आप लोगों को बताया मैंने अभी इसके बारे में, बाकी यहां पर ये क्वेश्चन के आंसर काफी अच्छे से आप लोगों के द्वारा दिए गए हैं, ये वो डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग जिसको भी यहां पर डाउनलोड करना है अपना एडमिट कार्ड, पहले से डाउनलोड करके रख लेना। इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने बात की, डिटेल में समझा माइनॉरिटीज के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने बात की। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो यूएसए के बारे में बात की, जो कि इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर बता रहा है, तो काफी डिटेल में हम लोगों ने ये न्यूज समझी यहाँ पर। इसी के साथ में हम लोगों ने नेक्स्ट जो न्यूज देखी यहाँ पर, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी हमारी कंट्री के, उनके बारे में जाना कि वो किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हुए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में जाना। इसी के साथ में हम लोगों ने नेक्स्ट जो न्यूज देखी यहाँ पर, ये जाना यहाँ पर PMSSS के बारे में। नेक्स्ट जो न्यूज थी यहाँ पर ये थी आप लोगों के सामने वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जो सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है COVID-19 पेंडेमिक एरिया में, वो समझा हम लोगों ने। इसी के साथ में हम लोगों ने एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में जाना। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने बात की जल से रिलेटेड, किस तरीके से इस पर्टिकुलर एरिया को इंप्रूव करने की बात की जा रही है। इसी के साथ में नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में पावर प्रोजेक्ट के बारे में जाना। तो ये है आज का क्विज जो कि आप लोग अटेम्प्ट करना है, यहां पर एक एक कर देखिए, और देखिए जो नहीं उठता है मॉर्निंग में कोशिश करिए उठिए, अगर आप लोग को उठ रहे हैं तो अच्छा लगता है जब आप लोग उठकर इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसी तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए, और सैल्यूट है आप लोगों के जज्बे को जो डेली उठ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर AICTE के बारे में बताना था, कौन सा ये इंडेक्स था ये बताना था, प्रोजेक्ट का नाम आप लोग को बताना था, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का, NERPSIP क्या था ये आप लोगों को बताना है, इंडिया किसके साथ में साइन किया 1000 मिलियन जो यहां पर लोन एग्रीमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा माइनॉरिटी जो है वो डिक्लेयर की जाती है, ये यहां पर जल शक्ति के द्वारा कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको सपोर्ट कर रही है, और कौन है जो किसके वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं हमारी कंट्री के, प्रसार भारती के जो CEO हैं। तो ये थे क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आइए अब रिविजन कर लेते हैं।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा इंपोज किया गया सैंक्शन यहां पर एक कंट्री के द्वारा S-400 सिस्टम को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते भी ऐसी न्यूज बना के जाएंगे, देखना कि आप लोग इनको याद रखोगे आने वाले 4 साल तक, ठीक है। ज्वाइंट सेटिंग के बारे में बात की थी, कौन बुलाता है, कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, हालांकि देख लिया हम लोगों ने। मिनिस्ट्री के बारे में बात की थी, यहाँ पर कोस्ट गार्ड के लिए कौन सी मिनिस्ट्री नॉर्मली रेस्पॉन्सिबल है। इसी के साथ में कौन सी जो कंपनी हमारी कंट्री मोबाइल की, जिसने आरोप लगाया कि अनएथिकल प्रैक्टिस देखने को मिल रही है, इनका नाम आप, ये फुल फॉर्म आप लोगों को बताना था, GRIHA का। इसी के साथ में कौन सा अवार्ड है यहाँ पर जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो ये क्वेश्चन थे काफी इंपॉर्टेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट से अवार्ड था जो, तो ये सारे आप लोग एक बार रिविजन कर लीजिए। तुर्की के ऊपर इम्पोज की बात की जा रही है, सैंक्शन की इम्पोज बात की जा रही है। प्रेसिडेंट बुलाते हैं ज्वाइंट सिटिंग को, 108 आर्टिकल के अंदर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है हमारे संविधान में ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर क्या आता है, कोस्ट गार्ड। और हाँ, एक बच्चे के द्वारा बोला कि सर गोवा नहीं आता है क्या कोस्ट गार्ड वाली कोस्टल एरिया में, गोवा भी आता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, गोवा भी कोस्टल एरिया के अंदर आता है, ठीक है। यहां पर ये हो गया गोवा, तो कंफ्यूज इसको लेकर बिल्कुल भी नहीं होना है, ओके। तो गोवा भी यहां पर काउंट किया जाता है। इसी के साथ में यहां पर जो बात की जा रही है, ये रिलायंस जियो था। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट के बारे में बात की, और मेघ दूत अवार्ड था यहां पर ये अवार्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे लेना था यहां पर, एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर काफी दिनों से पढ़ाई की जा रही है, सिलेक्शन थोड़ा थोड़ा सा होता है, रुक जाता है वो, सर समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल लूज होता हुआ जा रहा है। देखिए, जब आप लोगों को लगने लगे कि जिंदगी में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है और उसको लेकर आप लोग फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि आप लोग कुछ करना चाहते हैं, तो वही एक तरीका होता है, वही एक टाइम होता है जिसमें अपने आपको थोड़ा सा और पुश करना होता है आप लोगों को। यानी कि जैसे मान लीजिए आज के दिन में आप लोग क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में आप लोग कट ऑफ के जस्ट पास में आकर वापस चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर और फोकस देना है, अपना जो प्रैक्टिस आप लोग करें उसको थोड़ा सा गहराई में जाकर उसकी प्रैक्टिस करें, तो और अच्छे से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दोगे। जो छोटी सी नैया रहती है ना, इसमें 1-2 नंबर से 10-12 नंबर से बार बार रुक जा रहे हैं, इसका मतलब यह कि प्रैक्टिस में कमी है कहीं ना कहीं। अगर प्रैक्टिस को आप लोग प्रॉपर वे में लेकर चलोगे तो आप लोग उस नैये को पार कर चले जाओगे। तो प्रैक्टिस पर फोकस दो, अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस दो, जो जो चीजें आप लोग कर रहे हैं उनको थोड़ा सा और अच्छे से करना स्टार्ट करो सीरियस होके। और रिविजन भी एक बहुत बड़ा यहां पर इंडिकेटर होता है, रिविजन में कहीं ना कहीं कमी रही होगी जब आप लोगों को ऐसे माहौल में पढ़ना पड़ता है। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। तो यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, काफी सारे बच्चे यहां पर कनेक्ट हैं। तो इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए और फीडबैक दिए बगैर मजा आइएगा अगर यहां तक आप लोगों ने लेक्चर देख लिया है तो, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।